आज जो चीज़ हमने स्टडी करनी है दैट इज एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। बेसिकली जो चीज़ हमने इस टॉपिक में स्टडी करनी है वो एक्स रेज की क्या होती हैं एक्स रेज और उनका एटॉमिक नंबर से क्या लेना देना होता है। तो सबसे पहले जो हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर दी एक्स रेज। अगर आपको पता हो या आपको पिछले लेक्चर की डिटेल याद हो जिसमें हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो हमने स्पेक्ट्रम में एक रेंज देखी थी एक्स रेज की। एक्स रेज आर बेसिकली रेडिएशंस, और ये वो रेडिएशंस हैं जिनकी कोई सर्टेन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है। फॉर एग्जांपल जब हम विजिबल रीजन की बात कर रहे थे, विजिबल स्पेक्ट्रम की, तो हमने कहा था 400 से लेके 750 नैनोमीटर तक जिनकी वेवलेंथ होगी वो सारी जो सी रेडिएशन हैं वो विजिबल रेंज में आएंगी। इसी तरह एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी है, उनके अंदर जब भी कोई रेडिएशन लाइक करेगी दैट विल बी कॉल्ड एज एक्स रेज। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हाउ वर एक्स रेज प्रोड्यूस्ड, या एक्स रे जो उनसे हैं वो एक्स रेज पैदा कैसे होते हैं। आपको अपना फेमस जो है डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो अब तक आपकी उंगलियों पे होगा। उसमें क्या हम करते थे कि हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते थे जिसके अंदर गैस भर देते थे और उस गैस को लो प्रेशर के ऊपर रखते थे और हाई वोल्टेज देते थे। जब हाई वोल्टेज देते थे तो कैथोड से हमारे पास क्या निकलती थी, कैथोड रेज, जिनको हम आम जुबान में कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये जाते थे और दूसरी ऑपोजिट साइड पे एनोड के साथ जाके टकराते थे। अब एक्सरेज कैसे पैदा होती हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैथोड रे से आ रहे हैं दे स्ट्राइक विद एनोड। अब एनोड के साथ तो हर केस में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं दे विल स्ट्राइक, लेकिन अगर एनोड आपका कोई हैवी मेटल होगा, हैवी मेटल का क्या मतलब है जिसका एटॉमिक नंबर जो है जेड जो है दैट इज हाई, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, अगर आपने एनोड उस मेटल का यूज़ किया हुआ है तो फिर उस केस में उस एनोड से जो चीज़ निकलेगी, जो रेडिएशंस निकलेंगी दोज विल बी कॉल्ड एज दी एक्स रेज। तो यहाँ पर एक्स रेज की प्रोडक्शन हमने देखी कि जब भी इलेक्ट्रॉन जोन से हैं हैवी मेटल के साथ एनोड के स्ट्राइक करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये एक्स रेज जो होती हैं प्रोड्यूस नहीं है। व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद ए नोड ऑफ हैवी मेटल्स एक्स रेज जो होती हैं वो आर प्रोड्यूस्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं और इनके अंदर हाई एनर्जी जो वो मौजूद होती है। एक्स रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशंस। अब जो है इसके अंदर अगर आप देखें तो क्या होता है कि एक्स रेज जो सी हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि ये मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर दिस इज नेगेटिव कैथोड, यहाँ पर जो है मैंने एक, ये मेरा एनोड है जो कि किसका बना हुआ है, दिस इज हैवी मेटल, और इसको मैंने जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो दिया हुआ है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कॉल्ड कैथोड। अब होगा क्या, ये जो सी हैं रेज, इसमें से आपके पास कैथोड रेज निकलेंगी जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
रास्ते में मैं एक कनकेव सरफेस इसको अप्लाई करूँगा, दिस इज़ कॉल्ड कनकेव सरफेस। वो क्या करेंगी, वो सीधी जाने वाली रेज को एक पॉइंट के ऊपर डाइवर्ज कर देंगी। अब जब ये सारी की सारी कैथोड रेज इकट्ठी होके इस मेटल की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, तो नतीजे में जो चीज़ हमारे पास पैदा होगी दैट विल बी दी एक्स रेज, वो होंगी होंगी दिस दीज आर दी एक्स रेज। ये जो ब्लैक लाइंस हैं इनको हम एक्स रेज कहते हैं। तो वेन एवर कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन एन एनोड विद हैवी मेटल, तो आपके पास एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पर वो बात करता है कि आपके पास जो सी एक्स रेज हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल डायरेक्शंस, प्रोड्यूस्ड इन ऑल डायरेक्शंस, तमाम की तमाम डायरेक्शंस के अंदर जो है आपकी ये प्रोड्यूस होती हैं। मतलब कि इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस टोटल तमाम डायरेक्शन में आपके पास एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। हम अपने इस्तेमाल के मुताबिक उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर विंडो जोन सी है वो अप्लाई कर देते हैं, और उस विंडो के थ्रू हमें अपनी रिक्वायर्ड रेज रिक्वायर्ड डायरेक्शन में जो हैं वो मिल जाती हैं। अब यहाँ पर बात हम करेंगे अबाउट द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज जो सी है ये कैसे वेरी करेगी, ये डिपेंड करेगी ऑन द टारगेट मेटल कि हमने जो सा है वो टारगेट मेटल कौन सा इस्तेमाल किया है। मतलब ये है कि अगर हमने एनोड जो है वो गोल्ड की लगाई है तो उसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा वो कुछ और होगा। अगर मैंने एल्युमिनियम इस्तेमाल किया है तो उसका लैम्डा कुछ और होगा। अगर मैंने आयरन इस्तेमाल किया है तो उसका लैम्डा कुछ और होगा। तो दीज थ्री आर द एग्जांपल्स ऑफ आवर टारगेट मेटल्स कि आपने टारगेट मेटल कौन सा इस्तेमाल किया है वो डिफाइन करेगा कि उसकी वेवलेंथ जो सी है वो कितनी है। अब ये तो था एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज के, आपने कैथोड रेज को बम्बार्ड कराया हैवी मेटल के एनोड के ऊपर। अब हम उसकी स्पेक्ट्रोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं कि जब मैंने उसको बम्बार्ड करवाया तो क्या हुआ। स्पेक्ट्रोमेट्री ऑफ एक्स रेज के अंदर ये था कि जब आपने उस विंडो से अपनी एक्स रेज को लिया तो उसको विंडो से निकली एक्स रेज और इन एक्स रेज को मैंने बम्बार्ड किया जाके अपने क्रिस्टल के ऊपर, और क्रिस्टल जो था मेरे पास दैट वाज पोटेशियम के फोर आयरन एंड साइनाइड। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल था जिसके ऊपर मैंने अपना एक्स रेज को जो है वो बम्बार्ड करवाया। जब एक्स रेज इसके ऊपर गिरेंगी तो क्रिस्टल के ऊपर गिरने के बाद उनके अंदर डिफ्रैक्शन होगी। डिफ्रैक्शन एक लाइट का जो है वो प्रिंसिपल है, आप सब को छोटी क्लासेस में इसका अंदाज़ा होगा। तो ये जो एक्स रेज हैं आपके क्रिस्टल पे गिरने के बाद डिफ्रैक्ट होंगी, और डिफ्रैक्ट होने के बाद जो है आपको एक स्पेक्ट्रम देंगी विच इज़ कॉल्ड द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज। लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, अगर आपको अपने स्पेक्ट्रम वाला लेसन याद है तो उसके अंदर दो तरह के स्पेक्ट्रम थे, कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों है, क्योंकि दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट मेटल। आपके पास जो एक्स रेज हैं वो टारगेट मेटल की प्रॉपर्टी हैं, और टारगेट मेटल के एटम जो उनसे हैं वो हमेशा डिफरेंट होंगे। आप नया टारगेट मेटल यूज़ करेंगे तो उसका एटम डिफरेंट होगा, दैट इज़ वाई द स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है दैट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। अब होता क्या है, होता कुछ ऐसे है कि आपके पास जो सी लाइन स्पेक्ट्रम आपको
रिसीव होता है उसको अगर आप स्टडी करें लाइन स्पेक्ट्रम को, तो उसके अंदर जो है वो डिस्टिंक्ट किस्म की स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। ये जो डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, दीज आर द करैक्टरिस्टिक ऑफ दी, ये चेंज होंगी अकॉर्डिंगली एटम टू एटम, करैक्टरिस्टिक ऑफ द एटम। कौन सा एटम? एटम ऑफ द टारगेट मेटल, जोन से मेटल का आपने टारगेट एनोड के तौर पे यूज़ किया है। टारगेट इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि ये अगर आपके पास एनोड है तो इसके ऊपर रेज आके स्ट्राइक कर रही हैं, तो ये हमारा टारगेट है जिस पे हमने अपनी कैथोड रेज को फायर किया और एक्स रेज निकली। तो टारगेट मेटल की करैक्टरिस्टिक्स होंगी डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस। अब वो कहता है कि अगर इन लाइंस की मैं ग्रुपिंग करूं ग्रुप्ड इनटू वगैरह जी डिफरेंट सीरीज के अंदर, जैसे अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद हो उसमें हमने बार्मर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पास्टन सीरीज के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस को जो है वो ग्रुपिंग की थी उनकी, इसी तरह एक्स रेज की जो सी लाइंस हैं दे कैन आल्सो बी ग्रुप लाइक इन के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज एट्सेट्रा। तो वो कहता है कि हम इनको जो है इस तरीके से ग्रुपिंग कर देते हैं और हर के और एल और हर सीरीज के अंदर जो सी हैं वो हमारे पास डिफरेंट वेरियस लाइंस होती हैं, लाइक के अल्फा, के बीटा और सिमिलरली एल अल्फा, एल बीटा एंड एम अल्फा एंड एम बीटा। जिस तरीके से अगर आपको याद हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हर लाइन के अंदर फर्दर लाइंस होती थी जिनको हमने डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में स्टडी किया था। सिमिलरली एक्स रेज की जब आप लाइन स्पेक्ट्रम लेते हैं तो आपके पास के सीरीज, एल सीरीज और एम सीरीज जो हैं उनमें आप इनको डिवाइड करते हैं, जिनके अंदर फर्दर जो होती हैं लाइंस वो मौजूद होती हैं। तो यहाँ तक जो चीज़ अभी तक हमने देखी है वो ये है कि एक्सरे होती क्या है, एक्सरे कैसे पैदा होती है और एक्सरेज को हम किस तरह जो है वो अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली जो चीज है इसके अंदर वो काम आता है मोजले का। मोजले वाज द साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की थी एक्सरेज के ऊपर। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का क्या मतलब है कि उसने एक्सरेज को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया इन 1913 टू 1914। उसने किया क्या, उसने जोन से हैं टारगेट मेटल्स वो 38 यूज़ किए। ही यूज्ड टारगेट मेटल यूज्ड वर 38 डिफरेंट जो उनसे थे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स वो उसने एम्प्लॉय किए, जिनमें एल्यूमिनियम टू गोल्ड, AU फॉर गोल्ड, AL फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से लेके गोल्ड तक 38 मेटल्स जो उनसे थे वो उसने इस्तेमाल किए। और जो उनसी वेवलेंथ्स को उसने स्टडी किया उसकी रेंज भी आपकी बुक में दी हुई है, विच इज इक्वल टू 0.04 to 8 एंगस्ट्रॉम। तो ये उसकी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी थी। उसने जो है जब सारी स्टडी एक्सरेज की डिफरेंट टारगेट मेटल्स यूज करने के बाद की तो उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। कंक्लूजन्स क्या थे? कंक्लूजन्स ये थे, उसने सबसे पहली जो बात की उसने कहा कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो मेनली जानते हैं दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो सकते हैं, नंबर वन इज के सीरीज एंड नंबर टू इज एल सीरीज।
उसने कहा जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो वाली रेज, वो वाली स्पेक्ट्रल लाइंस जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट है, कम वेवलेंथ है, वो वाली जोन सी हैं एल के रीजन के अंदर के सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगी, जबकि एल सीरीज के अंदर जोन सी लाइंस होंगी उनकी वेवलेंथ जोन सी है वो लॉन्ग होगी, वो लार्ज वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को शो करेगी। तो ये तो था जनरल फर्स्ट रूल जो कि उसने कंक्लूड किया मूजली ने। सेकंड वन वाज, उसने एक रिलेशन बताया, उसने कहा कि आपके पास अगर एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल, एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड कहते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल अगर ज्यादा है तो जो वेवलेंथ होगी दैट वुड बी शॉर्टर। वो कह रहे जी जितनी जितना हैवी मेटल इस्तेमाल करेंगे उतनी कम वेवलेंथ की, उतनी शॉर्ट वेवलेंथ की आपको एक्सरेज जोन सी हैं वो मिलेंगी। तो ये उसकी सेकंड कंक्लूजन थी जिसमें हमें पता चला कि जेड का और लैम्डे का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जेड एंड लैम्डा हैज इनवर्स रिलेशन, एक को बढ़ाने से दूसरी चीज कम होती है। तो ये जनरल रूल से हमें क्या पता लगा कि अगर हमें शॉर्टर वेवलेंथ की एक्सरेज चाहिए तो फिर हम जो टारगेट मेटल यूज करेंगे उसका जेड जो है वो इंक्रीज कर देंगे। और नंबर थ्री जो था दैट वाज दी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो उसने रिलेशन जो है वो बताया था। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज मूजलीज लॉ। इसको जो है हम मूजले का लॉ भी कहते हैं। ये जो चीज़ हमें बताता है, इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो आपने याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ये जो है दिस इज कॉल्ड एज मूजलेज लॉ। ये रिलेशनशिप क्या बता रहा है, किस किस का रिलेशनशिप है बेसिकली, ये रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी का एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और वेवलेंथ का जो रिलेशन था वो सेकंड पोस्टुलेट में बताया है। अब ये मूजले का जो लॉ है ये हमें बता रहा है फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर का जो रिलेशन है वो। अब ये रिलेशन या इस इक्वेशन से हमें पता क्या लगता है, इस इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइन फ्रॉम स्पेक्ट्रल लाइन जो सी हमें मिली है एक्सरे के स्पेक्ट्रम में वो वेरी करेगी, वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। कैसे, अगर इसका मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लूं तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ ऐसी बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू जेड माइनस बी का स्क्वेयर। तो जेड के स्क्वेयर से रिलेट हो रही है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है विद द स्क्वेयर ऑफ एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये है, इससे पता जो लग रहा है वो ये है कि आपके पास जो चीज़ एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली की फैक्टर प्ले करता है। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जो एटॉमिक नंबर है दैट डिटरमिन्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन, डिटरमिन्स द करेक्टरिस्टिक्स। इससे हमें ये पता लगा इस मोजली लॉ से कि एटॉमिक नंबर जो है, जो जेड है टर्म, वो जोन सी है आपके पास डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को जोन सी है वो डिफाइन करती है, जिसमें आपके पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जोन सी हैं वो शामिल होती हैं। तो ये लॉ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस इज फ्रीक्वेंसी इंटू ए जेड माइनस बी। अब यहाँ पर
ए और बी क्या हैं? दीज आर द कॉन्स्टेंट वैल्यूज़। और कौन से कॉन्स्टेंट हैं वो आपकी बुक में जो है वो मेंशन कर रहा है? ए जो है वो तो है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी से इक्वेट करते हैं तो आपके पास जो कॉन्स्टेंट आता है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। और बी जो है दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। और ये जो है हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है आपके टारगेट मेटल का। तो ए एंड बी आर टू कॉन्स्टेंट, ए इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट एंड बी इज दी स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट जो कि आपके पास टारगेट मेटल का करेक्टरिस्टिक फैक्टर होता है। तो ये दोनों वैल्यूज जब आप लिटरेचर से उठा के पुट करते हैं तो आपके पास ये जो है मोजले की इक्वेशन बनती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक एटम है ए जिसका एटॉमिक नंबर है फॉर एग्जांपल 62, तो आप मुझे बताएं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी या इससे निकलने वाली एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी। तो आप उसके लिए ए और बी की वैल्यू लिटरेचर में देखेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं तीन उन पॉइंट्स की तरफ जो कि इस लॉ की इम्पोर्टेंस को शो करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मूजली लॉ नंबर वन। नंबर वन ये था जी कि इस लॉ की मदद से हमारे पास जो है ये पता चला कि एटॉमिक नंबर जो है वो करेक्टरिस्टिक प्ले करता है, तो जिसके नतीजे में बहुत सारे एलिमेंट्स जो से थे आपके पास उनकी प्लेसमेंट इन द पीरियोडिक टेबल जैसे कि पोटेशियम, आर्गॉन, निकल एंड कोबाल्ट, इनकी जो सी प्लेसमेंट है इनको देवर प्रॉपरली अरेंज्ड किसके अंदर? इन दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया था उसके अंदर इनकी जो पोजीशन थी उनको प्रॉपरली अरेंज करने में मूजली लॉ ने जो है वो हेल्प की। नंबर टू वॉज द पॉइंट कि इसकी वजह से, इस लॉ की वजह से कितने सारे जो होते हैं न्यू एलिमेंट्स वो डिस्कवर हो सके। कैसे? कि आप जो है किसी मेटल को इस्तेमाल करें उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास एक्सरे से निकलेगी, उसको मूजली लॉ में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास उसका जेड निकल आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 10 हर्ट्ज है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे आप बताएं कि जिस टारगेट मेटल से आ रही है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो आप उस फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट ए और बी देखेंगे और उस इक्वेशन से आपके पास जेड की वैल्यू निकल आएगी। तो इसकी वजह से नए एलिमेंट्स जो से हैं वो डिस्कवर हो सके, जिनकी एग्जांपल जो है आपकी बुक में ये दे रहा है। दीज टू आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दोज एलिमेंट्स जो कि मूजलीज लॉ की वजह से डिस्कवर हो सके, जिनमें ये रोडियम 45 भी शामिल है। एंड थर्ड एंड लास्ट पार्ट इज के आपके पास जो उनसे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, आप जब पीरियोडिक टेबल को अपने पिछले जिनकी प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें ये स्टडी करके आए हुए हैं कि दे हैव डिफरेंट फैमिलीज लाइक हैलोजेंस, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और उन्हीं में से एक फैमिली होती है रेयर अर्थ मेटल्स की। रेयर अर्थ मेटल्स के जो उनसे एटॉमिक नंबर हैं दे हैव बीन डिटर्मिंड थ्रू विच लॉ? मूजलीज लॉ। तो मूजली लॉ की इम्पोर्टेंस जो सी है वो ये थी जो कि हमने इन तीन पॉइंट्स में पढ़ी है कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से अरेंज करने में हेल्प की,
इसने कुछ मेटल्स के, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स जो उनसे हैं वो डिटरमिन करने में हेल्प आउट की, और सिमिलरली कुछ नए मेटल्स की डिस्कवरी जो उनसी है वो पॉसिबल हो सकी। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट दी एक्स रेज एंड देयर रिलेशन विद दी एटॉमिक नंबर।